HBN न्यूज, जो सच वही खबर। झारखंड गिरिडीह पोल्ट्री फार्म के आड़ में चल रहा था वैध विदेशी शराब का धंधा। 20 लाख का नकली शराब हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा की गुप्त सूचना के आधार पर SDOP राजीव कुमार ने टीम गठित कर अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। घोड़थंबा OP अंतर्गत मस्तोला चौक बड़दीहा के पास आबकारी विभाग ने छापेमारी कर अवैध विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। जिला उत्पादक अधीक्षक अवधेश कुमार सिंह, ASI ललित सोरेन, खोरी महुआ SDOP राजीव कुमार, धनबार थाना प्रभारी रूपेश सिंह की संयुक्त छापेमारी में 350 लीटर स्प्रिट, एक बिना नंबर की बाइक, 50 खाली गैलन, 500 पेटी विदेशी शराब, लगभग सैकड़ों ड्रम, स्टिकर, ढक्कन, ड्रम से निकालने का यंत्र, 235 खाली जार सहित कई उपकरण बरामद किया गया। बिहार में होती थी शराब की सप्लाई। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मौके से बड़दीहा निवासी विनोद दास को गिरफ्तार किया। उसने पूछताछ में खुद को मजदूर बताया। उसने बताया कि फैक्ट्री के मालिक का नाम बड़दीहा निवासी सुनील साव, बिहार शरीफ निवासी राजकुमार साव और बाबर खान है। उसने बताया कि राजकुमार साव और बाबर खान यहाँ से बिहार में शराब की सप्लाई करते थे। उसने बताया कि सुनील साव आसपास संचालित सरकारी शराब की दुकान में शराब पहुँचाता था। उधर मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त किया गया, जिसे 7-8 ट्रक और बोलेरो पिकअप तथा ट्रैक्टर में धनवार थाना ले जाया गया। खुरी महुआ SDOP राजीव कुमार ने बताया कि यह पुलिस की बड़ी सफलता है और आगे भी छापेमारी का काम चलता रहेगा। कृष्ण मुरारी तिवारी की रिपोर्ट। लगभग 550 लीटर विदेशी शराब एवं 200 लीटर स्प्रिट की बरामदगी हुई है। जो हमें सूचना मिली थी कि बड़दीहा का ही है एक सुनील साव है, उन्हीं का ये मकान है। उस मकान के एक पोर्शन में पोल्ट्री फार्म है और दूसरे पोर्शन में ये हम लोग के शराब की बरामदगी हुई है। कम से कम 5-7-8 आदमी का एक ग्रुप होगा, जिनका नाम अभी तो हम लोग को नहीं पता चला है, लेकिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जो हम लोग को आगे उसमें सहयोग मिल जाएगा कि कौन कौन लोग इस ग्रुप में सम्मिलित है। गिरफ्तारी मात्र के व्यक्ति की? जी हाँ, एक व्यक्ति वहाँ रात में अवेलेबल थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सर ये बताए तो उसका सरकारी दुकान भी क्या? उसका नहीं है, कहने का मतलब है उसके कोई रिश्तेदार का है, तो उसका अलग है, उसके अलग व्यक्ति के नाम से। उसका नाम है राजकुमार साहब, वो बिहार का रहने वाला है और उसके नाम से यहाँ शराब का 4 काउंटर का अनुज्ञप्ति प्राप्त है राजकुमार साहब। जी हाँ, तो हम लोग ऐसा पा रहे हैं कि उससे इसका कोई लेन देन नहीं है, ये ऐसा सोच रहे हैं। आगे जांच में, इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को जो बात प्रकाश में आएगी उसके अनुसार हम लोग उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। कल उसका रिश्तेदार है तो वो आदमी तो 24 आवर्स दुकान देखने के लिए है नहीं, तो वो अपने रिश्तेदार को मतलब केयर टेकर के रूप में रखे हुए हैं, जो उसका दुकान का देख रेख करता है। ये लिखित या किसी प्रकार का वो पेन एंड पेपर में वो आदमी नहीं है, ये तथाकथित है।